दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी। हेरिटेज पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर शनिवार को रेलगाड़ी की चुक चुक सुनाई दी। रेलगाड़ी की आवाज और हॉर्न सुनकर लोग चहक उठे। इस ट्रैक पर दो महीने के बाद गाड़ी गुजरी और इससे लोगों को अब जल्द ही रेलगाड़ियों के चलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के साथ दुकानदारी करने वाले दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है और उनको अब कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। अंग्रेजों के जमाने के बने इस रेलमार्ग किनारे कई विश्वविख्यात धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल हैं और इन्हें देखने के लिए बाहरी राज्यों से काफी पर्यटक यहां आते हैं। बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी पठानकोट से हरसर तक ट्रायल बेस पर यहां आई थी और हरसर से अब पठानकोट लौट गई है, पर लोग इसे रेलवे विभाग की ट्रेन चलाने की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड। एरियाज फर्स्ट एंड ओनली स्कूल विद एयर कंडीशन होस्टेल्स। एक्सेलेंट क्लास 12th एंड 10th रिजल्ट्स। जेईपीएमटी सिलेक्शन इन 2018। एरिया टॉपर्स इन कॉमर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, सीएसएन, हिंदी। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज। टॉपर ऑफ डलहौजी एरिया इन एआईएसएसई 2018। स्पेशल विंटर कोचिंग फैसिलिटी, यूरोकिड सैपलिंग्स, क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी। Don't go by magic, go by logic. We are with the administration and our school parents at this hour of gloom and crisis. For more information, please contact 018-99-240-653, 242-70, 242-71 and mobile number is 94180-10653, 94180-10753 and website is www.gnpsdalhousie.com. अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।